हेलो गाइस, मेरा नाम प्रयाग पंवार है और मैं रुड़की उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे को जो प्रॉब्लम है, मतलब हेयर फॉल का जो इशू रहा है, वो करीब करीब 11th स्टैंडर्ड से रहा है, 11th क्लास से। तब मैं अपने बाल छिपा लिया करता था, कॉम कर लिया करता था, थोड़ा साइड में हेयर कट कराया, थोड़ा बज कट कराने का ट्राई करा। उसके बाद जैसे ही 12th मेरी कम्प्लीट हुई, उसके बाद मेरे को ये इशू इतना लगा कि वो छुपता नहीं था। तो उस एज में जब आप कॉलेज स्टार्ट करते हो तो तब क्या होता है, मतलब आसपास के लोग भी बहुत चिढ़ाते हैं आपको ऑब्वियसली। तो तब मैंने देखना शुरू करा कि क्या क्या कर सकते हैं। तो तब मैंने कुछ PRPs कराई, तो वो सब कराने के बाद भी कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं थे। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि और क्या परमानेंट, मतलब ऐसे सॉल्यूशन निकल सकता है इस प्रॉब्लम का। तो तब मेरे को पता लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट होता है, सर्जरी होती है, जिससे हमारे बाल जो है वो वापस आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कहाँ पे मैं करा सकता हूँ। तो मैं रुड़की से रहने वाला हूँ। उसके बाद मैंने सारे क्लिनिक्स रिसर्च किए, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में। तो वहाँ पे भी मेरे को एक तो वो बजट फ्रेंडली नहीं होता था और दूसरा ट्रैवल की भी कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो उन रीज़न से मैंने एक दो साल उसे होल्ड पे रखा। उसके बाद जब मेरे को पता लगा कि हरिद्वार में QHT करके कोई क्लिनिक है और जहाँ से काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी अपना ट्रांसप्लांट कराया, तो मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, लोगों के रिव्यूज़ देखे, इंस्टाग्राम पेज पे गया। तो वहाँ से भी मेरे को ओवरऑल जो फीडबैक था सबका, वो अच्छा ही मिला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ और बजट पता करता हूँ कि मेरे बजट में आता है नहीं आता। तो मैंने कंसल्ट करा, उसके बाद मेरे को एक ही मीटिंग में और क्लिनिक में आके पता लग गया था कि यहाँ से करा लेना चाहिए, मतलब बेटर है। तो उसके बाद मैं ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हुआ और मेरे को लगा था कि मतलब काफ़ी टाइम जाता होगा इसमें, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि काफ़ी ब्रेक चाहिए होता होगा या काफ़ी टाइम जाता होगा, तो क्या पता मैं करा पाऊँगा नहीं करा पाऊँगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा ट्रांसप्लांट 2 दिन का था, 2 दिन में भी पहले ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे को 5 दिन लगे रेस्ट में और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज वापस कंटिन्यू कर लिया था। और जो ट्रांसप्लांट में भी जो मतलब बिल्कुल पेन नहीं होता, सिर्फ शुरू में थोड़ा सा एनेस्थीसिया जब वो देते हैं तब थोड़ा सा पेन होता है, हल्का सा, इतना तो PRP में भी हो जाता है। तो ट्रांसप्लांट में भी ऐसा कोई पेन नहीं था और स्टाफ भी सारा कोऑपरेटिव था, मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि कोई ऐसी कोई बड़ी सर्जरी मेरे साथ हुई है। बहुत ही आराम से इजीली वो 2 दिन कट गए। पोस्ट ऑपरेशन जो केयर दी जाती है, मतलब केयर जो ली जाती है, जो डॉक्टर्स बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत अच्छे से मुझे सब बताया गया था, उसे मैंने फॉलो किया। और अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 5 महीने ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं, अच्छी ग्रोथ है। और मेरे को जैसे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, उन्होंने बताया कि शायद अभी और 2-4 महीने लगेंगे अच्छे से रिजल्ट आने में, तो उसके बाद मैं आपसे सब शेयर करूँगा। ट्रांसप्लांट के लिए जब मैं पहली बार यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करने आया, तो मेरे को मतलब क्लिनिक में सराउंडिंग बहुत हाइजीनिक लगा पहली चीज़ तो। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बहुत फ्रेंडली तरीके से मेरे को सब समझाया, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रिसेप्शन से लेके और अगर ब्लड सैंपल तक लेने तक देखो तो पूरा का पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत फ्रेंडली है। जब ट्रांसप्लांट ख़त्म हुआ तो डॉक्टर से दोबारा मेरी मीटिंग हुई, सब सही था। उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन्स दी और एक फॉर्म दिया जिसमें सारी की सारी केयर थी कि जो मेरे को लेनी चाहिए उसके बाद, ट्रांसप्लांट के बाद। और मेरे को उसके बाद भी क्लिनिक से पूरा सपोर्ट मिला, डेली बात हो जाती थी क्लिनिक से, कॉल पे, व्हाट्सएप पे सब कनेक्ट रहते थे। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो भी मैं शेयर करता था, वो भी एकदम से मेरे को रिप्लाइज और रिस्पॉन्स आता था क्लिनिक से। तो ओवरऑल मेरी जर्नी इस क्लिनिक से बहुत ही अच्छी रही, मेरे को नहीं लगता इससे बेटर मेरा ट्रांसप्लांट और कहीं से हो पाता। ट्रांसप्लांट में करीब मेरे को 5,300 ग्राफ्ट्स लगे थे, जिसमें 1,000 ग्राफ्ट्स मेरे बियर्ड से लिए गए थे और बचे हुए ग्राफ्ट्स मेरे हेड से लिए गए थे। तो ट्रांसप्लांट के बाद क्या, ट्रांसप्लांट से पहले भी मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि जो ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं, क्या आप वहाँ पे वो एरिया खाली दिखेगा इन फ्यूचर, क्या वहाँ पे ग्रोथ होगी या वहाँ पे क्या वो एरिया खाली दिखेगा। तो वो सारे क्वेश्चन मेरे को थे जो मैंने कंसल्ट करा डॉक्टर से। हीलिंग होने में मेरा जो पीछे हेड का पोर्शन था और बियर्ड का पोर्शन था, उसमें करीब करीब 5 दिन लगे। 5 दिन की मेरी मेडिसिन चली, जिसमें एंटीबायोटिक्स थी, पेन किलर थी, स्वेलिंग बिल्कुल नहीं हुई। उसके बाद मेरी 5 दिन मेडिसिन चली, जिसमें पेन किलर, एंटीबायोटिक्स थी। उसके बाद हील होने में मेरा जो डोनर एरिया था, उसे हील होने में करीब करीब 1 हफ्ते से 10 दिन लगे थे। और 15 डेज़ बाद मैंने अपना कॉलेज जाना वापस शुरू कर दिया था।
मेरा ट्रांसप्लांट QHT टेक्निक से करा गया है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सेम टाइम पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसी टाइम पे जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं उनको इम्प्लांट कर रहे होते हैं। प्लस इसमें जो सर्वाइवल रेट होता है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेटर भी होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद प्रिकॉशन एक लेना पड़ता है कि आपको ना तो सनलाइट लगने देनी होती है, और दूसरा आपको अपने जो ग्राफ्ट्स हैं उनको डस्ट से बचाना होता है। उसके लिए हमें एक सर्जिकल कैप दी जाती है जो करीब करीब 3 वीक्स तक हमें पहननी होती है। उसके ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद फिर तो डॉक्टर्स अलाउ कर देते हैं कि आप नॉर्मल कैप भी पहन सकते हैं लूज़ करके, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और करीब करीब 15 दिन आपको लगते हैं रिकवरी में। 15 दिन के बाद मैंने खुद भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल डे टू डे चीज़ें करने लगा था आराम से। तो ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा वर्थ इट एक प्रोसेस है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और यंग एज में जो लोग डरते हैं कि कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो मैं बोलूँगा वो डिपेंड करता है आपके कि आपका जो बाल्डिंग है वो किस लेवल का है। तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, QHT में आएँ। जो भी लोग, जिनको भी मेरी तरह हेयर प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, या उनको ट्रांसप्लांट प्लान करना है, वो प्लीज़ एक बार ही वो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, QHT में आएँ। और इसके बाद अब मेरी 5th PRP है और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट PRP विद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।